रिया चक्रवर्ती के मॉब होने पर बॉलीवुड सेलेब्स के फूटे गुस्से से लेकर संदीप सिंह की टूटी हुई चुप्पी तक, सुशांत सिंह राजपूत के मामले की लेटेस्ट अपडेट के लिए देखिए ये वीडियो। रिया चक्रवर्ती पहली बार एनसीबी के सामने पेश हुई हैं। रिया के वकील सतीश मानचंदे ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है। अगर किसी से प्यार करना अपराध है तो उसे अपने प्यार के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। निर्दोष होने के कारण उन्होंने बिहार पुलिस, सीबीआई, ईडी और एनसीबी द्वारा सभी मामलों में अग्रिम जमानत के लिए किसी अदालत से संपर्क नहीं किया है। लेकिन लोगों को झटका लगा कि कैसे राष्ट्र में अनिवार्य सामाजिक दूरियों के बावजूद रिया के आने पर कैमरामैन द्वारा उन्हें मॉब किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए विजुअल्स में 28 वर्षीय रिया चक्रवर्ती को कैमरामैन द्वारा धक्का दिए जाने के रूप में दिखाया गया और बड़ी मुश्किल से उन्होंने एनसीबी कार्यालय तक पहुंचने का अपना रास्ता बनाया। ऐसे में मुंबई पुलिस द्वारा उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा था। रविवार को मुंबई में एनसीबी के दफ्तर पहुंचने के बाद कोविड-19 महामारी के बीच तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा जैसे कई बॉलीवुड हस्तियों ने रिया चक्रवर्ती को ललकारते हुए पापराजी की आलोचना की। टाइम्स नाउ के मुताबिक जांच के दौरान रिया ने ड्रग्स की खरीदी की बात कबूली है। हालांकि अभिनेत्री ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने ड्रग का सेवन नहीं किया। रिया की एनसीबी द्वारा लगभग 6 घंटे तक पूछताछ हुई और उन सबूतों पर भी बात हुई जो एजेंसी के पास थे। एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत के संबंध में ड्रग एंगल की जांच कर रहा है और रिया के भाई शौविक पर भी ड्रग्स की खरीदी के आरोप हैं। संदीप सिंह जो बहुत दिनों से चुपचाप बैठे हुए थे वो अब अपने बचाव में सामने आए हैं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी बातों के कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। यहां तक कि सुशांत के परिवार ने कथित तौर पर संदीप को जानने से इनकार कर दिया था और इसी तरह रिया चक्रवर्ती ने भी। अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट साझा किए हैं। उनकी पहली पोस्ट में सुशांत के लिए उनके टेक्स्ट के स्क्रीनशॉट शामिल हैं, जो नवंबर 2016 से जून 2018 के बीच के हैं। उसी के बारे में बात करते हुए संदीप लिखते हैं, क्षमा करें भाई, मेरी चुप्पी ने मेरी छवि और परिवार के 20 वर्षों को टुकड़ों में तोड़ दिया है। मैं इस बात से अनजान था कि दोस्ती को आज के समय में एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आज मैं अपनी व्यक्तिगत चैट को सार्वजनिक कर रहा हूं, क्योंकि ये अंतिम उपाय है जो हमारे समीकरण को साबित करता है। इस बीच अपने पिछले पोस्ट में संदीप ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह के साथ अपने टेक्स्ट के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, जिससे पता चलता है कि कैसे वो अभिनेता के परिवार की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एम्बुलेंस चालक से संपर्क करने का भी दावा किया, जो मीतू के अनुरोध के अनुसार सुशांत के शव को 14 जून को लेकर गया था। संदीप की दूसरी पोस्ट 14 जून को हुई घटनाओं की सीरीज के बारे में है। संदीप सिंह ने मॉरिशस में अपने कथित यौन शोषण मामले के बारे में जानकारी दी थी। कथित तौर पर ऐसा कोई मामला कभी दर्ज नहीं किया गया है। संदीप ने पोर्ट लुइस मॉरिशस के अधिकारियों द्वारा वायरल रिपोर्टों के खिलाफ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जून 2018 से एक निकासी पत्र साझा किया है। एनसीबी द्वारा रिया चक्रवर्ती को दूसरी बार तलब किया गया है। रिया को कार्यालय के लिए रास्ता बनाते हुए कई फोटो सामने आई हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक हैं। मेडिकल जांच से गुजरने के बाद शौविक चक्रवर्ती भी एनसीबी कार्यालय पहुंचे। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले की हर एक अपडेट के लिए देखते रहिए हिंदी राशि।